हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्टडीज पे फोकस कर रहे होंगे कम्प्लीटली। चलिए, अभी हम फ्लोएम का पार्ट 3 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अभी हमारी ये पार्ट 4th यानी क्लास 4th है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बोथ सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब मेंबर्स हैव पैरेन्काइमा फिजिकली एसोसिएटेड विद दैम। देखिए, सीव सेल्स और सीव ट्यूब मेंबर्स, इनके पास पैरेन्काइमा फिजिकली एसोसिएटेड होता है। ठीक, द फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स फंक्शन प्राइमरली एज लॉन्ग लिव्ड स्टोरेज सेल्स। देखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल का फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज करता है सेल्स की, लिव्ड स्टोरेज सेल्स। बोथ ऑफ दीज सेल्स हेल्प टू लोड एंड अनलोड शुगर्स इन टू द कैविटी ऑफ सीव सेल्स और सीव ट्यूब मेंबर्स। देखिए, सीव सेल्स और सीव ट्यूब मेंबर्स का क्या काम है कि ये शुगर का लोड करना और अनलोड करना कैविटी में सीव सेल्स का और सीव ट्यूब मेंबर्स का काम है। ठीक, द पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद सीव सेल्स आर रेफर्ड एज एल्ब्यूमिनस सेल्स। अगर पैरेन्काइमा सेल्स सीव सेल्स के साथ एसोसिएट है तो हम उसको कहेंगे एल्ब्यूमिनस सेल, व्हाइल दोज अटैच्ड विद सीव ट्यूब मेंबर्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। बाकी जो अटैच्ड हैं सीव ट्यूब के साथ हम उनको कहेंगे कंपेनियन सेल्स। ठीक, द कंपेनियन सेल्स आर स्मॉल डेंसली कवर्ड साइटोप्लाज्मिक सेल्स दैट आर ओंटोजेनेटिकली डिराइव्ड बाय अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेम इनिशियल एज द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। देखिए, जो कंपेनियन सेल्स हैं वो स्मॉल होती हैं साइज में, डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स होती हैं, डेंसली होती हैं। ठीक है, और ये ओंटोजेनेटिकली डिराइव्ड हुई हैं, अनइक्वल डिवीजन हुआ है इनमें, सेम इनिशियल एज द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। दे कम्युनिकेट विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स बाय मीन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। और ये कम्युनिकेट कर पाते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा पोर के कनेक्शन के थ्रू, जो कि कॉमन वॉल है प्लाज्मोडेस्माटा की और सीव ट्यूब एलिमेंट की, इसके थ्रू ये इजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। दीज सेल्स पॉजिस अ लार्ज न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। और जो ये सेल है ये इसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है मेच्योरिटी के टाइम पर, और ये रिच होता है ऑर्गेनल्स होते हैं इसके पास, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपेनियन सेल्स सप्लाई द एनर्जी टू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और कंपेनियन सेल्स एनर्जी सप्लाई करता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स को, जिससे वो ड्राइव कर सकें, ट्रांसलोकेशन कर सकें। ट्रांसलोकेशन क्या होता है स्टूडेंट? देखो, ट्रांसलोकेशन आप सभी जानते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है जो लीव्स जो फूड प्रोड्यूस करेंगी वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचा दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक,